आदाब। खुद से मोहब्बत करने के बहुत से रास्ते हैं, हर एक पर जिंदगी का पहरा रहता है। अपने अदब से कहना कि कुछ देर तुम्हें चैन से रहने दे। शहर में बहुत भीड़ है, शोर खचाखच बस्तियों में बसा है, और मशहूर मोहल्लों में इश्क की कोई कीमत नहीं होती। मैं रोज गुजरती हूँ इस रास्ते से, अपने सब्र के किस्सों को छुपाते हुए, उस चटकती धूप से जिसकी आग से मेरा सारा सब्र जल जाएगा और इश्क का साया मिट जाएगा। कभी कभी जहन की आवारगी को पूरी परवाज देने का मन करता है, फिर लगता है कि उम्मीद के आबशारों से बैर कैसा। क्यों मैं इश्क को ढूंढते ढूंढते इश्क से ही भागने लगी, क्यों मेरी दिल लगी सी दीवानगी को किसी की नजर लग गई। जिसका मन रोशन हो उसका तन रोशन कैसे ना हो, जिसकी आत्मा में गंभीर ख्याल उमड़ते हो उसे जिंदगी से आगे तक जिंदगी जीने का जुनून होता है, उसे जिंदगी से आगे तक जिंदगी जीने का जुनून होता है। तो फिर क्यों शायस्ता महफिलों ने बस्ती उजाड़ दी। अब बागीचों से ज्यादा भरे मैखाने नजर आते हैं, ऊब जाती हैं सूरतें जब नौकरी शब्द में ही नौकर का उच्चारण दिल में जोर जोर से खोलने लगता है। ऐसी बातों से लक्ष्य की लहरें नींद से जागती, और जहां से आती वहीं को लौट जाती, क्योंकि अब इश्क ने मुझे घुमक्कड़ बना दिया है। कस्तूरी की महक गजाल की नाभि में होती है, बेसुध बेकाबू होकर वो उसे शामो सुबह रात और दोपहर सहरे के सब्जा में खोजता रहता है। जैसे चांद हर रात बाम से लुट जाया करता है, वैसे ही नसीब इंसान पर अक्सर मेहरबान होना छोड़ देता है। और तभी गोताखोर लगाने वाले की आखिरी सांसें अपने बचपन की तलाश में फिर से उड़ती चली जाती हैं, और तब उदय होते हैं वो हालात जिनके शोलों में अब भी मोहब्बत के रंग चलते हैं। कबूल किया मैंने कि जिस कस्तूरी को मैं यहाँ वहाँ हर जगह मेहताब ताला बाजार संसार में ढूंढ रही थी, वो मेरे ही अंदर बसर थी। गजाल सहरा में अपनी राह चलो, आफताब ढलने को है।